दुकानदारों की मांग है कि लॉकडाउन में शिथिलता आनी चाहिए। जिस तरीके का लॉकडाउन खासकर मुमरा कौसा में लगाया जा रहा है, मरीजों की संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद यहाँ इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों, ऐसा सवाल पैदा हो रहा है। तो पता चला है कि इस पर आपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वरिष्ठ स्तर पर कुछ मांगे रखी है मुमरा कौसा की तरफ से। क्या मांगे रखी है और किस तरह की आपकी भूमिका है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो थाने महानगर पालिका द्वारा किए गए लॉकडाउन के निर्णय और गाइडलाइन के लिए मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत थाना के भी कई व्यापारी परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनके पर प्रश्न उपस्थित हो रहा है, रोजी रोटी कैसे चलाई जाए। जैसे कपड़ा मार्केट, कटलरी मार्केट, होटल व्यापारी, सलून और बैंकेट हॉल वाले, ऐसे कई बेचारे व्यापारी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे जिए। एक तरफ पहले का जो साल है उस साल की हमारे पे फीस की मार, भाड़े की मार, मेंटेनेंस की मार, परिवार संभालने का बोझ, और ये सारे के साथ अब वापस कोविड की नई गाइडलाइन और मिनी लॉकडाउन। इसीलिए मैंने आज केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा हूँ, साथ में हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी को एक पत्र लिखा हूँ और उसकी कॉपी टू पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, जितेंद्र आवाज जी और कमिश्नर और महापौर को भेजा। और ये खास तौर से मांग किए हैं कि हम ये मिनी लॉकडाउन तो कर रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें बंद हो सकती है, पेट की जो हथड़ियाँ हैं वो हमेशा चालू रह सकती है, उस पर लॉकडाउन कैसे लगा सकते हैं, व्यापारियों की जो तकलीफ़ है हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये खास तौर से मैंने ये मांग नहीं किया हूँ कि हमें उनको अनाज देना चाहिए जब तक हम लॉकडाउन करते हैं। दूसरी तरीके से उनकी जो पहले की फ़ीस है उन्हें हमें स्कूल को निर्णय देके, आदेश देके उसे माफ़ कराना चाहिए, जो कि कई स्कूल किए हैं और कई स्कूल अपनी मनमानी के से मुताबिक कर रहे नहीं हैं। तो ऐसे में उनको शहर ने बहुत अमीर यहाँ से बनाया, थाने महानगर पालिका की जितनी भी स्कूल है, मुमरा प्रभाग समिति की जितनी भी स्कूल है, उन्होंने इस शहर वासियों ने उनको बड़ा किया है, तो उनका भी कुछ फ़र्ज बढ़ता है। कई स्कूलों ने माना है लेकिन कई स्कूलें बेशरम बन के मान रहे नहीं, तो उनके ऊपर भी सख्ती लाना पड़ेगी, उनको ये भी आदेश देना पड़ेगा। और साथ ही में व्यापारियों के लिए, जो अन्य व्यापारी अति आवश्यक सेवाओं के बाद जो अन्य व्यापारी, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन के तौर पर उनको खोलने की इजाज़त दिया जाए, ऑड और इवन के माध्यम के तरफ खोलने दिया जाए। P1 P2 हाँ, एक तरफ लेफ्ट, मतलब इस तरफ लेफ्ट की तरफ एक तरफ खोलने दिया जाए तो यार राइट की तरफ एक तरफ खोलने दिया जाए, या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए उनको उनकी दुकानें खोलने के दिया जाए। नहीं तो इस शहर के अंदर, थाने महानगर पालिका के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक परिस्थिति, बहुत बड़ी बेरोजगारी और कहीं ना कहीं लोगों की पेट का सवाल, रोजी रोटी का सवाल, बहुत प्रश्न उपस्थित होने वाला है, जो लॉकडाउन से, कोविड से बहुत बड़ा प्रश्न है। एक तरफ कोविड को हमको संभालना है, दूसरी तरफ हमको नागरिकों को कैसे उनकी समस्या है, उनकी तकलीफों को कैसे समझ सके, ये राज्य का और केंद्र का जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केंद्र और राज्य
लोग अपने माए बाप के नाते उनको देखा जाते, जैसे लोग अपने माए बाप को देखते वैसे ही सरकार को भी लोग अपने माए बाप समझते। तो माए बाप होने के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार को और थाने महानगर पालिका को मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, निर्णय, अहम फैसले लेना पड़ेंगे जिससे नागरिक को सुविधा मिल सके, ऐसी ही मेरी मांगनी है।